फाइनली दोस्तों एनसीआर प्रयागराज का सेकंड मेरिट लिस्ट निकल गया है, जो कि आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि आपको कब कब जाना है, कहां कहां जाना है और क्या लेकर के आना है, आप लोग डाउनलोड कैसे करेंगे अपना एडमिट कार्ड, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम आप लोगों का जो लिस्ट आया है उसको मैं यानी कि दिखाऊंगा, तो आप लोग को सबसे पहले नोटिस में क्या क्या लिखा गया है वो मैं आपको पढ़ करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से अच्छे से देखिएगा कि क्या क्या बताया जा रहा है। तो देखिए भाई, पहला जो अप्रेंटिस का मेरिट लिस्ट निकला था डीवी के लिए वो 26/12 से लेकर के 3 जनवरी 2024 तक चला था, ठीक है। उसके बाद इसका जो सीट कुछ बच गया, बहुत अनुपस्थित रहे, जिसके कारण से क्या था कि 4/1/2024 को बुलाया गया था, जिसे यानी कि 26/12/2023 से लेकर के 3/1/2024 तक डीवी का डेट चला था। इसके बीच में बहुत लोग क्या हुए कि एबसेंट रह गए, तो उनको जो एक और मौका दिया गया और 4/1/2024 को बुलाया गया 4 जनवरी को, ठीक है। आप लोग भी रेलवे में किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आपको जो मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर चाहिए तो आप लोग जो है किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, जिसमें से आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज बुक मिलेगा, जिसमें से टोटल 10,000 से प्लस क्वेश्चन इस सारा एग्जाम को इसमें इंक्लूड करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक बनाया गया, तो आप इस बुक को लेकर के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद ही बहुत लोग यानी कि एबसेंट रहे, तो उसके लिए जो है टोटल देखिए यहाँ पे 138, ठीक है, टोटल 138 कैंडिडेट जो है का सीट खाली रह गया, जिसके कारण द्वितीय यानी कि सेकंड लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 26/2/2024 का यानी कि डेट जो निर्धारित किया गया। और देखिए यहाँ पे आप लोग जो है इसका सूची जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा और इसका कट ऑफ तथा प्रवेश पत्र शीघ्र ही इस कार्यालय से अधिकृत इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, तो मैं आपको डाउनलोड करने का यानी कि तरीका भी बताऊंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो देखिए ये यानी कि कुछ जानकारियां था जो कि पहला लिस्ट चला था, उसके बाद पहला लिस्ट में बहुत लोग एबसेंट रहे, उसके बाद उसका 4 तारीख को उसको मौका दिया गया, फिर भी एबसेंट रहे, उसके बाद अभी देखिए फिर से इसका मेरिट लिस्ट आ गया, तो मैं आपको मेरिट लिस्ट दिखाता हूँ और कब कब कहाँ कहाँ जाना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। हाँ तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर से लेकर के टोटल यहाँ पे कितना कैंडिडेट का है, आप लोग ये वाला डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर के, टेलीग्राम देखिए टोटल 138 यहाँ पे लोगों का निकाला गया है लिस्ट पोर्टल, ठीक है। और देखिए सभी का जितना भी है सभी का यहाँ पे 26 तारीख को ही बुला गया, 26/2/2024, ठीक है, 26 फरवरी 2024। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका, यहाँ पे वेन्यू कहाँ पे जाना है, आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए वो बताया जा रहा है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नवाब उसूफ रोड नियर वाल्मीकि चौराहा प्रयागराज, ठीक है। ये वाला आप लोग सर्च कीजिएगा, नहीं तो मेरा जो है टेलीग्राम चैनल में आप लोग ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर मैंने सारा कुछ डिटेल्स बताया था, लोकेशन वगैरह सारा कुछ दिया था कि कहाँ कहाँ आपको जाना है और आपका जो सेलेक्ट अपनी की डीवी के लिए हुए कौन से कैटेगरी से हुए वो आपको बताएगा इस जगह पर, उसका आपका डीवी डेट ये है, डीवी डेट सबका सेम है 26 फरवरी 2024 ही है, ठीक है। और रिपोर्टिंग टाइम आपका 8 बजे सुबह में है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हम 8 बजे नहीं जा पाएंगे, तो 10-11 बजे तक जाएंगे तो कोई दिक्कत होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, 2-3 घंटा लेट भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग ये वाला लिस्ट यानी कि डाउनलोड करके देख लीजिए कि आपका क्या नाम है या नहीं है, ठीक है। बाकी और आपको क्या क्या लेकर के जाना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए आप लोग 10th का मार्कशीट ले लीजिएगा प्लस में सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, ITI का आप लोग जो है मार्कशीट ले लीजिएगा प्लस में सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है अपना साथ फ़ोटो ले लीजिएगा, यानी कि फ़ोटो ले लीजिएगा प्लस में अपने साथ जो है जो PWBD कैंडिडेट वो अपना सर्टिफिकेट ले लीजिएगा प्लस में, जो जो भी कास्ट यानी कि भरे हैं जनरल छोड़ करके वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा सेंट्रल लेवल का, अगर नहीं रहेगा सेंट्रल लेवल का तो जो भी आपके पास है वो भी लेकर के जा सकते हैं, बाद में आप लोग दे सकते हैं ज्वाइनिंग के टाइम, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं, वही सब अपना पैन कार्ड आधार कार्ड वगैरह जो बेसिक यानी कि डॉक्यूमेंट होता है, आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो मेरा प्रीवियस यानी कि NCR प्रयागराज का वीडियो मेरा देख लीजिएगा, ठीक है, उससे और आपको क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आपको बताता हूँ कि आपको डाउनलोड कैसे करना है एडमिट कार्ड, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हूँ, उस पर आप लोग क्लिक करके इस वेबसाइट में आ सकते हैं, यानी कि ये NCR प्रयागराज का ऑफिशियल वेबसाइट है, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ करके वहाँ से भी आप लोग इस लिंक पर आ सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने लिंक दे दिया, ठीक है। तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन पर यानी कि ये जो अपना एप्लीकेशन इससे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड में, तो यहाँ पे अपना जो है ऐसे करके क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपका जो भी रहेगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि मैंने अभी दिखाया, ठीक है, वेन्यू जो लिखा था उसके बगल में जो था वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, ठीक, उसको यहाँ पे पासवर्ड डालिएगा, ये वाला सॉल्व करके बता दीजिएगा कि कितना हो रहा है, उसको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद अपना जो है डाउनलोड कर लीजिएगा एडमिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है जाइएगा, क्योंकि ये वाला ज़रूरी बताया जा रहा है, तो ये सब यानी कि जितना भी बेसिक जानकारी है वो आप लोग जो है लेकर के जाइएगा, ठीक है, बेसिक चीज़ जो भी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा फ्रेंड लोग जो है वहाँ पर NCR प्रयागराज में
कुछ कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।